नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली दंगों की चार्जशीट ने तो टुकड़े टुकड़े गैंग के सारे अरमानों के टुकड़े कर दिए। एक ही झटके में लुटियन गैंग भी बेनकाब हो गया। कहां तो ये बड़े शातिराना तरीके से छिप छिप कर साजिशें रच रहे थे और कहां एक सैफी की गिरफ्तारी ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। दिल्ली दंगों को भड़काने की साजिश रचने वाले, दंगों की फंडिंग करने वाले, सैफी के इतने करीबी रिश्ते लुटियन पत्रकारों से होंगे, ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन इन सब पर से पर्दा उठता जा रहा है। दिल्ली दंगों में चांद बाग में भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी खालिद सैफी की गिरफ्तारी ने तो इस गैंग के सभी सेकुलर और लिबरल सियारों के चेहरों का रंग उड़ा दिया है। कल तक आसमान पर इंकलाब लिखने वाले वामपंथी और ये खान मार्केट गैंग वाले, अब तो हर कोई डरा छिपा बैठा है कि ये खालिद सैफी ना जाने कब किसके खिलाफ क्या बोल दे। पुलिस की चार्जशीट में खालिद सैफी दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है, जिसने ना सिर्फ ताहिर हुसैन और उमर खालिद के साथ मिलकर दिल्ली को जलाने की साजिश रची, बल्कि उसके लिए पैसे का भी इंतजाम किया। मतलब ये कि पुलिस की नज़रों में ये एक हार्डकोर क्रिमिनल है जो दिल्ली के 53 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। इतने ख़तरनाक शख्स के साथ अगर सेकुलरिज्म की कस्में खाने वाले लुटियन गैंग के पत्रकारों के रिश्ते सामने आ जाएं, तो हर किसी को हैरानी होगी। ये देखिए, द लायर, मेरा मतलब द वायर की सबसे बड़ी फेक एजेंडा चलाने वाली पत्रकार अरफा खानम के साथ सैफी की ये तस्वीर। खुद एक बड़ी पत्रकार है, लेकिन तीन तलाक इन्हें अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ लग रहा था। अमूमन हमेशा नाक चढ़ाकर रहने वाली अरफा किस कदर मुस्कुरा रही है सैफी के साथ सेल्फी लेते हुए, जैसे कोई बहुत बड़ा नेता हो। ये भी शाहीन बाग में जा जाकर वहां बैठी नानियों और दादियों को भड़काने वालों में शुमार थी। उनकी कहानियां न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा चैनल, वॉशिंगटन पोस्ट में छप रही थी। यहां बैठी इन घरेलू महिलाओं को ये बता बता कर ये भड़काती रही। और तो और, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर तो इन्होंने बाकायदा मुसलमानों को अपनी स्ट्रेटजी बदल कर आंदोलन करने के लिए उकसाया था। इन मैडम ने मुसलमानों से कहा था कि हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं कर रहे, बल्कि तरीके और स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। घर पर खूब मजहबी नारे पढ़कर आइए, उनसे आपको ताकत मिलती है, लेकिन जब आप सिर्फ मुस्लिम बनकर विरोध करने का फैसला करते हैं, तब आप लड़ाई हार जाते हैं। इसलिए अपनी लड़ाई हिंदुओं के साथ ही लड़िए, बाद में अलग हो जाइए। अरफा के बयानों और सैफी की करतूतों को मिलाकर देखें तो दिन के उजाले की तरह ये साफ हो जाता है कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, 9 बजे के अवार्डी पत्रकार रवीश कुमार की है। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के साथ तो इनकी सुबह की शुरुआत होती है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ हमदर्दी दिखाते दिखाते इनकी रात होती है। इनका तो एजेंडा ही जात से शुरू होकर जात पर ही खत्म हो जाता है। इनका मन तो इतना साफ है कि इन्हें सारे ऐब और बुराइयां सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह में ही नजर आते हैं, बाकी सब तो दूध के धुले हैं। यानी मियां रवीश की सारी शिकायतें सिर्फ इसी बीजेपी सरकार से हैं। उससे पहले तो जब भी कांग्रेस की सरकारें थी, तब तो भाईजान को देश में रामराज नजर आता था। अब क्या रवीश ये बताएंगे कि दिल्ली दंगों के इस साजिशकर्ता सैफी के साथ गलबैयां वो क्यों हो रहे थे? क्या मुद्दा था मुलाकात का? ये तो देश का विरोध करने वाली एक ही जात के लगते हैं, और इन्हें अपने 9 बजे के प्रोपेगेंडा प्रोग्राम में ये बताना चाहिए कि सैफी से इनकी यारी कितनी पुरानी है। अब देखिए एक ऐसे बड़े पत्रकार की तस्वीर मियां सैफी के साथ, जो आपको हैरान कर देगी। इनका नाम है राजदीप सरदेसाई। इनकी खासियत है पैसे लेकर स्टिंग ऑपरेशन नहीं दिखाना। ये पीएम मोदी के घोर आलोचक है। कांग्रेस के चाटुकारों की श्रेणी में इनका नाम सबसे ऊपर आता है। गांधी परिवार के इतने बड़े चमचे हैं कि अपनी चमचागिरी साबित करने का कोई भी मौका नहीं गंवाते। याद है ना इनका सोनिया गांधी का ऐतिहासिक इंटरव्यू, जिसमें चाय बनाने से लेकर सास बहू जैसे बड़े संवेदनशील मुद्दों पर इन्होंने उनसे सवाल पूछे थे, और इसीलिए सोनिया गांधी ने इन्हें 2008 में पद्मश्री भी दिया था। क्या अब ये जनाब बताएंगे कि सैफी के साथ ये किस एजेंडे के तहत मिले थे? ऐसा क्या काम पड़ गया था इन्हें कि सैफी जैसे दंगाई से मुलाकात हो गई? और अब देखिए एक और तस्वीर, नए नए पॉपुलर हुए अभिसार शर्मा की। सैफी के साथ ये तस्वीर, ये मियां अभिसार तो लुटियन गैंग में सबसे बड़े झूठे पत्रकारों की श्रेणी में आते हैं। ये फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है,
लेकिन झूठ भी इतने दमदार तरीके से बोलते हैं कि झूठ खुद ही शर्मा जाए। ये झूठ की ऐसी फैक्ट्री चलाते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा कहीं भी फिट कर गुजरते हैं। एजेंडा इनका भी साफ है, देश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के इस फेकू के साथ सैफी कौन सा एजेंडा फिट कर रहा है, कौन से नए झूठ की तैयारी कर रहे हैं दोनों मिलकर, किस वजह से ये इनके साथ नजर आ रहा है, ये तो बताना ही पड़ेगा अभिसार को अपने अगले वीडियो में। एक और तस्वीर दिखाती हूँ आपको, यहाँ ये सैफी इस्लामिक विचारधारा को लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मुखर रहने वाली आरजे साइमा के साथ नजर आ रहा है। साइमा ने सीए के विरोध में बसे शाहीन बाग को लेकर किस तरह से मजहबी जहर फैलाया था, इससे हर कोई वाकिफ है, और दिल्ली दंगों के दौरान भी इसने हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा जमकर चलाया था। ये मोहतरमा भी जिस तरह से सैफी के साथ तस्वीर खिंचवा रही हैं, उससे साफ है कि जान पहचान काफ़ी गहरी और पुरानी है, वरना जितनी मुँहफट है साइमा शायद ही किसी से ढंग से मिलती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो आप देख सकते हैं बाछें खिल गई हैं। अब इनकी मुलाकात के पीछे की कहानी तो हर कोई जानना चाहेगा। और तो और, यहाँ सैफी की एक और तस्वीर देखें, ये वामपंथी फिल्म स्टार प्रकाश राज के साथ कॉफ़ी पीता दिख रहा है। प्रकाश राज है वैसे तो साउथ की फिल्मों के स्टार, लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों में दिखने के साथ ही मियां प्रकाश का एजेंडा भी खुलकर सामने आ गया है। ये जनाब जब मुंह खोलते हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही बोलते हैं। इनके साथ जिस अंदाज में सैफी की तस्वीर है, ऐसा लगता है कि बड़ा पुराना और गहरा याराना है। अब जब दो मोदी विरोधी मिलेंगे तो आप सोच सकते हैं कि मुलाकात में वो किस तरह की बातें करेंगे। और ये तस्वीर गौर से देखिए, ये वामपंथी संजुक्ता बासु और गुरमेहर कौर के साथ नजर आ रहा है सैफी। संजुक्ता वही है जिसने राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पुरजोर विरोध किया था और अपनी भड़ास निकालने के लिए ये ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं एक हिंदू हूँ और मुझे केवल और केवल मस्जिद चाहिए, मुझे शर्म आती है और खेद है कि मेरे साथी हिंदुओं ने एक पूजा स्थल को ध्वस्त कर दिया और उन्हें सजा देने की बजाय पूरी भूमि देकर पुरस्कृत किया गया। मैं दुखी हूँ और शर्मिंदा हूँ कि हम अपने लिए कैसा भविष्य बना रहे हैं। इसके अलावा भी संजुक्ता हमेशा अपने ऐसे ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले ट्वीट्स के लिए चर्चा में रहती हैं। और तस्वीर में नजर आ रही ये दूसरी लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी की गुरमेहर कौर है, जिसका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। सेना के एक शहीद अधिकारी की बेटी होने के बावजूद वो एक वीडियो में एक पोस्टर लिए नजर आई थी, जिस पर लिखा था, मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं युद्ध ने मारा था। याद आया आपको? ये भी ऐसी वामपंथी हैं जो उमर खालिद और कन्हैया कुमार की समर्थक रही हैं, जिसने रामजस कॉलेज में उमर खालिद और कन्हैया कुमार के नहीं आने पर ABVP का सोशल मीडिया पर विरोध किया था। अब आप समझे कि दिल्ली दंगों के इस आरोपी खालिद सैफी के तार कहां कहां तक जुड़े हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के सभी बड़े एजेंडाधारियों से लेकर बॉलीवुड तक फैले हुए फेक सेक्युलर और लिबरल लोगों से इसका याराना है। पुलिस के साथ पूछताछ में खालिद सैफी ने यह कबूल किया है कि उसी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को खालिद उमर से शाहीन बाग में 8 जनवरी को मिलवाया था, और वहां पर उमर खालिद ने ताहिर हुसैन से कुछ बड़ा करने के लिए तैयार रहने को कहा था। मतलब ये कि दिल्ली में जो दंगे हुए उसकी प्लानिंग और फंडिंग में अब तक सैफी, उमर खालिद और ताहिर हुसैन के नाम का खुलासा हो चुका है। अभी चार्जशीट दायर करने का सिलसिला जारी है, इसलिए अभी और नाम सामने आएंगे और कई चेहरे बेनकाब होंगे। सवाल बस इतना ही है कि दिल्ली के दंगाइयों के साथ लुटियन गैंग के पत्रकारों और टुकड़े टुकड़े गैंग का आखिर क्या रिश्ता है। इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। हैरान करने वाली बात यह है कि सैफी कोई आम आदमी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का नेता है। ये अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल मुसलमानों को मोबिलाइज करने में करता है। इसकी सीधी पहुंच मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तक है, और आतिशी मार्लिना से भी इसकी मुलाकात होती है। आम आदमी पार्टी में सैफी के रसूख को देखकर क्या ये माना जाए कि ताहिर हुसैन और खालिद उमर के बीच की बैठक के बारे में आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को भी पता था। इसके साथ ही अब तो दिल्ली को दंगों की तरफ धकेलने में आम आदमी पार्टी की भूमिका भी शक के दायरे में आ गई है। ये जो तस्वीरें सैफी के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के एजेंडाधारी पत्रकारों की हमने आपको दिखाई हैं, तो वो एजेंडाधारी पत्रकार भी अब जांच के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि यही वो बिरादरी है जो CAA और NRC के विरोध में मुसलमानों को बरगलाने में लगी हुई थी। हकीकत तो ये है कि पूरी लुटियन बिरादरी इस आंदोलन को कभी ख़त्म होते देखना ही नहीं चाहती थी। इसके लिए ये हर रोज़ फेक स्टोरीज करने में लगे हुए थे,
और तो और दिल्ली दंगों के बाद इसी फेक सेकुलर ब्रिगेड ने इन दंगों को मुसलमानों का नरसंहार बताकर पूरे देश को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदू विरोधी इन दंगों को इस्लामोफोबिया से जोड़ जोड़ कर इन लोगों ने एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की और अब इनकी तस्वीरें दिल्ली दंगों के आरोपी के साथ सामने आने से तहलका मच गया है। सवाल तो उठेंगे ही, और दिल्ली दंगों से इस खान मार्केट गैंग की क्या और किस तरह की भूमिका रही है? क्या ये सब मिलकर प्रोपेगेंडा चलाने की प्लानिंग बनाते थे? क्यों सैफी इन लोगों से मिला? किसके कहने पर वो इन सब से मिला? क्या फंडिंग का ये भी कोई मसला था? PFI की फंडिंग का भी इस लुटियन बिरादरी से कोई लेना देना है? ये तमाम सवाल हैं जो जल्द ही क्राइम ब्रांच के अधिकारी सैफी से पूछेंगे। अभी तो सिर्फ 8 जनवरी की मुलाकात के बारे में ही बताया है उसने, बाकी मुलाकातों पर से तो पर्दा उठना अभी बाकी है। साथ ही आपको याद होगा कि JNU का पूर्व छात्र उमर खालिद, जिसने कैंपस में कन्हैया कुमार के साथ मिलकर देश विरोधी नारे लगाए थे, उसने खुद पर हमले का एक फेक प्रोपेगेंडा भी चलाया था और उसमें जो इकलौता गवाह था वो यही खालिद सैफी ही था। तो चोर चोर मोसेरे भाई वाला खेल यहाँ पर चल रहा है। गौरतलब है कि वामपंथी और ये लेफ्ट लिबरल कबाल दरअसल बड़े ही शातिर तरीके से दिल्ली में CAA की आड़ में दंगे की साजिश रच रहे थे। टाइमिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा था। 24 फरवरी को जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में थे, तभी दंगे भड़के और उमर खालिद ने इसका ऐलान काफ़ी पहले कर दिया था। तो क्या इसी बड़े प्लान की जानकारी 8 जनवरी को ताहिर हुसैन को दी थी उमर खालिद ने? साथ ही आम आदमी पार्टी के और कौन कौन से नेता इस पूरे खेल में शामिल रहे हैं? याद है ना, फरवरी के पहले हफ्ते में ED ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की PFI के चीफ मोहम्मद परवेज के साथ व्हाट्सएप चैट की बात सामने आई थी, जिसमें फंडिंग का जिक्र भी हो रहा था। साथ ही संजय सिंह के भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण के साथ संपर्क के सबूत भी सामने आए थे। उसके बाद से ही संजय सिंह बिल्कुल खामोश हो गए हैं। इतने बवाल के बीच भी कहीं उनका कोई बयान या ट्वीट नज़र नहीं आ रहा है। तो अब जब सैफी मुंह खोलेगा तो पता नहीं क्या क्या बोलेगा और किस किस की कलाई खोलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल TV।